अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट नाइन में खुश आमदेद। मैं हूँ तहमीना शेख। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चियों के हवाले से, लड़कियों के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से। बच्चियों के हवाले से जहाँ पर नाज़रीन हम बात करते हैं, तो हमारी बच्चियाँ जब 10 साल के बाद आगे बढ़ रही होती हैं, बड़ी हो रही होती हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माओं की तरफ से सिखाई जाती हैं, टीचर्स की तरफ से सिखाई जाती हैं। आपको पता है कि माशरे की हम बात करें तो माशरे में नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। अब इस नेगेटिविटी में से निकल कर पॉजिटिविटी में हमने कैसे जाना है, ये हमारी गाइडलाइन होती है जो हमने बच्चों को देनी होती है। इसी हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि अब तो बाकायदा वर्कशॉप्स और इस हवाले से बच्चों को लेक्चर्स और गाइडलाइंस दी जाती हैं स्कूलिंग लेवल पर। यानी बच्चियाँ जब 7-8 में आती हैं या 5th के बाद, इस किस्म के जो लेक्चर्स हैं, सेशंस हैं, वो टीचर्स की तरफ से बच्चियों को दिए जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इससे पहले ऐसा रुझान नहीं था, जो कि बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा दही इलाके को डिस्कस कर लें, जब कॉलेज लेवल पर लड़की आती है तो यकीनन हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, कॉलेजेस में जाने के लिए दही इलाके की जो लड़कियां हैं उनको ज़रा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, उनको मसाइल होते हैं, बहुत दूर दूर कॉलेजेस होते हैं, रास्ते में आना जाना बहुत से मसाइल होते हैं। इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में बात करें, और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि हम बात करें उन ख़वातीन के हवाले से, उन लड़कियों के हवाले से जो पढ़ने लिखने के बाद जॉब पर सेटल होती हैं और जॉब मर आने के बाद उनको किस किस किस्म के मसाइल को फेस करना पड़ता है। इन चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि हैरेसमेंट का इशू नो डाउट होता है, होता चला आ रहा है, लेकिन इसको काफ़ी कंट्रोल किया गया है, तरक्की याफ्ता मुआशरा हो चुका है। इसके बावजूद ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि वो लड़कियां जो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं उनको किन फॉरम्स पर अप्लाई करना है, किन फॉरम्स पर जाकर बताना है कि हमारे साथ ये मसला है और इस मसले को कैसे हल करना है, तो नो डाउट मसाइल हल हो ही जाते हैं। इसी हवाले से मेरे साथ जो पर्सनैलिटी इस टाइम मौजूद हैं उनका तारुफ आपको करवा दूँ। बहुत अच्छी हमारी वर्किंग वुमन है, बिजनेस वुमन है, बिजनेस रन कर रही हैं, अरसे दराज से लड़कियां इनके पास आती हैं, अपने अपने मसाइल बता रही होती हैं, और उन मसाइल के हवाले से आपको बताऊं कि यकीनन जब बच्चियां मुख्तलिफ फॉरम्स पर रहकर काम कर रही होती हैं तो हर फॉरम पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल को उन्होंने सुनना होता है, डिस्कस करना होता है और फेस भी करना होता है, और फिर जब इनके पास आती हैं अपने मसाइल इनको बताती हैं तो यकीनन ये उनको गाइड भी करती हैं, उनको बताती भी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ प्रोग्राम किया जाए और अच्छी सी गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारी तमाम बहनें, माएँ, बेटियां और बच्चियां और लड़कियां जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, उनको गाइडलाइन दी जाए। तो जनाब, इस वजह से आज के प्रोग्राम की जो पर्सनैलिटी जिनको जहमत दी गई है उनका नाम है फातिमा जुबैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। वेरी गुड फातिमा। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए और आज के प्रोग्राम में आपसे हम अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। जी तहमीना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं इस टॉपिक पर बात कर सकूँ। बेसिकली हमारा ये बहुत ही वैसे तो वर्किंग वूमेन हरासमेंट, वुमेन वायलेंस जो है ये एक वर्ल्ड वाइड इशू है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है जहाँ औरत थोड़ा रिजर्व रहती है, जहाँ औरत को वो इतना स्पेस नहीं दी जाती, इतना इनकर्ज नहीं किया जाता, तो ऐसे माशरे में, ऐसी सोसाइटी में मेरे ख्याल में ऐसे टॉपिक को ज़रूर डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के तवस्त से, हमारे तवस्त से ये होता है, मेन चीज़ ये होती है कि जितनी भी वुमेन है वो इससे इंफॉर्मेशन ले सकेंगी, वो इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट उन्हें फॉर्म्स का पता चल सकेगा, उन्हें जो है वो प्रॉब्लम्स का पता चल सकेगा, और उनके लिए मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम जो होगा वो काफ़ी इंकरेजमेंट का बायस भी होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से आगे बढ़ते हैं हम। फातिमा जुबैर, माशाल्लाह से बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो आपके पास काम कर रही हैं, और बिज़नेस का नाम लेना या कंपनी का नाम लेना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बच्चियां तो माशाल्लाह से आपके पास काम कर रही हैं, और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़ा अच्छा, मतलब यहाँ पे बड़ा अच्छा एटमोसफेयर है और बड़े सिक्योर होकर काम करते हैं। आपके पास जब बच्चियां आती हैं तो अपने क्या क्या इशूज़ बताती हैं? देखिए तहमीना, मेरे पास मोस्टली ऐसी फ़ीमेल्स आती हैं जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से उनको छोड़ के आ रही होती हैं, या पिछली प्रीवियस जॉब्स को बाय कह के आ रही होती हैं। उनमें जो 50% वुमेंस होती हैं उनका मेन कंसर्न, मेन प्रॉब्लम जो होता है वो यही होता है कि या तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती, या उन्हें किसी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स का सामना होता है, जिनमें मेन जो भी आपने डिस्कस किया वुमेन हरासमेंट भी होती है, जिसमें जो होता है वो डिफरेंट ऐसी टाइमिंग्स होती हैं जो वुमेंस के लिए सूटेबल नहीं होती, या ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं
जिस जिनको उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही होती है, तो वो एज फीमेल वर्कर, एज फीमेल बिजनेस होल्डर वो मेरे पास आके थोड़ा कंफर्टेबल होती हैं, वो थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं और उन्हें ज़रा ईजी परमिशन भी मिल जाती है, इजीली जॉब की परमिशन भी मिल जाती है। जी, जॉब परमिशन के हवाले से भी हम फातिमा बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं हैरेसमेंट के हवाले से कि हमारे यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो अक्सर औकात बाज़ जगहों पर हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगी, क्या समझती हैं कि हैरेसमेंट किसे कहते हैं? अच्छा तहमीना, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज माई कंसर्न कि हरेसमेंट सिर्फ यही नहीं है कि कोई बंदा आपको गौर से देखे, आपके साथ कोई गैर अखलाकी हरकत करे, या आपके साथ जो है वो कोई बंदा जो है वो आपको कोई ऐसा है कि कोई फिजिकली या कोई इमोशनली ही प्रेशराइज करने की कोशिश को ही हम हरेसमेंट कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके लिए ये लफ्ज़ ही हरेसमेंट का बाइस होता है कि वो एक लड़की है, और सोसाइटी में उसे बाहर निकलने के लिए ये लफ्ज सबसे पहले उसे मेंटली ये चीज़ उसके अंदर प्रेशराइज और टॉर्चर कर रही होती है, प्रेशराइज कर रही होती है, वो खुद इस चीज़ में से गुजर रही होती है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं पता नहीं क्या मखलूक हूँ या क्या ऐसा होने वाला है कि जिसके पास भी मैं जाती हूँ मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि इसे बाहर नहीं निकालना, ये एक फीमेल है, इसने ये नहीं कर सकती चूँकि ये एक फीमेल है, ये बच्ची है, ये इसके लिए मौजू नहीं है, ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में हरेसमेंट का इमोशनली या फिजिकली टॉर्चर ही या कोई ऐसे गैर अखलाकी एक्शन ही हरेसमेंट में काउंट नहीं होते। मेरे ख्याल में अगर आप किसी को मेंटली दबाव का शिकार करते हैं, मेंटली एहसास कमतरी का शिकार करते हैं, या आप मुआशरे में किसी के लिए कोई एक लफ्ज़ ताना या कोई प्रेशर क्रिएट करने वाला जो है वो लफ्ज़ बना देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी हरेसमेंट के ज़ुमरे में आता है। उसमें आपके अपने रिश्तेदार भी होते हैं। हम आजकल एक नॉर्मल तासर यही चल रहा है, एक कॉमन तासर ये है कि अगर आपको कोई बंदा घूर रहा है तो ये हरेसमेंट है, अगर कोई बंदा जुमानी लफ्ज़ कह रहा है तो ये हरेसमेंट है, अगर कोई बंदा ज़रूरत से ज़्यादा आपको अपनी तवज्जो दे रहा है तो ये हरेसमेंट। मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है। वो कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वजह जो किसी भी फीमेल्स के लिए मेंटली प्रेशर का, मेंटली दबाव का बायस बनती है, जिससे वो स्ट्रेस में आती है, जिससे वो परेशानी की कंडीशन में आती है, तो वो हरेसमेंट ही कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। ये मेरा अगला सवाल था जो आपने पहले जवाब दे दिया फातिमा, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से हैरेसमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों को हरेस किया जाता है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जो कि बड़े अच्छे अंदाज में आपने यहाँ पर बयान की हैं कि हैरेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या नाज़ेबा काम करने को कह रहे हैं। हैरेसमेंट ये भी होती है कि आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, अगर उसकी जो ड्यूटी टाइमिंग्स है उससे ज़्यादा आप उसको प्रेशर देकर काम कर रहे हैं तो वो भी हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आ जाता है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी लाइन की तरफ चले जाएँ या दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ चले जाएँ तो ये तमाम मामलात नो डाउट होते हैं। हमारे यहाँ जनरली तौर पर मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी फातिमा कि बच्चियाँ जो हैं वो डर जाती हैं। बिल्कुल, एक मेन पॉइंट और बड़ा सेंसिटिव और बड़ा सॉफ्ट पॉइंट है जो मैं चाहती हूँ कि हम डिस्कस करें। बच्चियाँ जब हैरेसमेंट का शिकार होती हैं या बच्चियाँ जब डरती हैं तो वो अपने डर को बजाय इसके कि अपनी माँ के साथ या किसी के साथ शेयर करें, वो उसको अंदर ही अंदर पीना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियाँ या तो जॉब छोड़ देती हैं या स्टडीज़ कर रही हैं तो वो छोड़ देती हैं और घर में बैठ जाती हैं। तो बच्चियों का और माँ का जो एक ताल्लुक है, नाता तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, जो कि ऐसा रिश्ता है जिसका मुतबादिल ही कोई नहीं है और जिसकी जितनी तारीफ मैं यहाँ पर करूँ ऐसे कई प्रोग्राम्स गुजर जाएंगे और माँ बेटी का जो प्यार और रिश्ता है मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस रिश्ते को हमने उतना ही क्लोज रहने दिया है? मेरे ख्याल में तहमीना, प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे इनिशियल स्टेजेस की जो तरबियत होती है उसमें आ जाती है। कहाँ आ जाती है? पहली बात तो जब हम लड़की को ख़ुद ही डरा देते हैं कि आप एक लड़की हो, आप एक फीमेल हो। पाकिस्तान के माशरे की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर एक बच्ची है, एक लड़की है, एक औरत है, अगर उस पर बदकिस्मती से कोई भी नुक्ता उठाया जाता है, कोई भी पॉइंट उठाया जाता है, तो कोई बंदा इस चीज़ को 100% जस्टिफाई नहीं करता कि इसमें इसका कसूर नहीं भी हो सकता। सबसे पहले हमारे ये मुआशरे की बदकिस्मती है, ये हमारी ही नहीं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की बदकिस्मती है।
तो मेरे ख्याल में ये हमारे इनिशियल स्टेजेस की तरबियत में होना चाहिए। जब जब बच्ची पैदा हो वो थोड़ा सा जो है वो शऊर के दायरा कार में आना शुरू हो, तो सबसे पहले ये माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको माँ जो है वो उसको इस चीज़ से अवेयर करना शुरू कर दे। हम हमारा जो है वो मैंने मेरे ख्याल में, क्योंकि बेसिकली मैं भी एक देहात से बिलोंग करती हूँ, मेरे ख्याल में जो है वो 80% to 70% में एक सर्वे पढ़ रही थी कि हमें 80% to 70% जो बच्चियाँ बालिग हो रही होती हैं उन्हें इस टाइप के मसाइल की अवेयरनेस ही नहीं होती। अवेयरनेस ही नहीं, उन्हें शुरू में बताया ही नहीं जाता कि आपने किससे डिस्कस करना है। अगर ऐसा कोई आपके साथ एक्शन या आपको कोई चीज़ नागवार गुजरती है तो सबसे पहले जो आपका सबसे क्लोज रिश्ता है वो माँ का होता है, और ये कॉन्फिडेंस माँ ने ही देना होता है। माँ शुरू में हमारे ऐसे जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि माओं की जो कहते हैं नंदों की, सासों की, बहुओं की आपस में एक ऐसी जंग जो होती है, ऐसी वॉर की कंडीशन चल रही होती है कि उसमें बच्चों को वो अटेंशन, वो तरबियत मिल ही नहीं रही होती, बच्चों को वो तवज्जो मिल ही नहीं रही होती। मेरे ख्याल में जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है कि सबसे पहले ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। जैसे आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन हम अगर देखें तो हमारे सिलेबस में कोई भी ऐसा, अगर हम अपने सिलेबस को खोलें तो कोई भी ऐसा सोशल इशू हमारे सिलेबस में हमें मिलता ही नहीं है। सारा जोर होता है मैथमेटिक्स पे, सारा जोर होता है इंग्लिश पे, सारा जोर होता है बिजनेस पे, सारा जोर होता है इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज करने पे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस में यह होना चाहिए कि जहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे आजकल बड़ा मेजर इशू चल रहा है चिल्ड्रन अब्यूज़ का, उस अगर मैं इस चीज़ पे सर्च कर रही थी कि क्या हमारे सिलेबस में ये पार्ट है, आजकल टेलीविजन में ऐड आना शुरू हुआ है लेकिन बहुत देर के बाद, जब हमने बदकिस्मती से बहुत अच्छा, से अगर मैं आपसे ये कहूँ फातिमा, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रही हैं, वैसे तो क्वेश्चन करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने कहा जरा कंटिन्यू बात करें लेकिन क्वेश्चन चूंकि ज़रूरी है। आपने कहा आजकल मेजर इशू हमारा चल रहा है फातिमा, आपने अभी जिक्र किया चिल्ड्रन अब्यूज का, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे वो नाजरीन जो पढ़े लिखे नहीं होते या दही इलाकों से ताल्लुक होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि चिल्ड्रन अब्यूज क्या है, तो आप डिफाइन कैसे करेंगी? देखिए ये एक सेंसिटिव इशू है, उसमें आजकल टेलीविजन में लकीली आपके टेलीविजन पे भी ऐड चल रहा है, जैसे भी बहुत डिफरेंट टाइप के केसेस सामने आए हैं जिसमें चिल्ड्रन को डिफरेंट टाइप के अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप के फिजिकली इमोशनली तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें एक बड़ा मेजर केस ज़ैनब केस भी है। वो चीज़ें हैं जिनको हम उनको बहुत ज़्यादा खुल के डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन बात यह होती है कि मेरे ख्याल में जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पर हमें खुद पेरेंट्स को सर्च करनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। अगर देखें अगर हमारी अटैचमेंट सोशल मीडिया से हो, हम टेलीविजन में ड्रामा देखने को तो प्रेफर करते हैं, हम टेलीविजन में सॉन्ग सुनने को तो प्रेफर करते हैं, माएँ जो हैं वो चार चार घंटे इंडियन ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा देखने में तो लगाती हैं, लेकिन अगर टेलीविजन में कोई ऐड चल रहा है कि ये सोशल अब्यूज़ और वो बार बार अब्यूज़ है और वो रिपीट हो रहा है, तो ये कोई बोदर ही नहीं करता कि हम इस पर सर्च करें, किसी से ही पूछ लें कि आखिर ये है क्या, आखिर ये टेलीविजन पे इतना ज़्यादा कॉमनली सब चैनल्स पे आ रहा है तो ये है क्या। हम इसे खुल के अगर डिस्क्राइब नहीं करना चाह कर सकते तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो हम इर्द गिर्द से उसकी इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी कर सकते हैं। तो उसी हवाले से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मेन सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए, प्राइमरी सिलेबस का, इनिशियल सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए, जिसमें देखें जिसमें फीमेल वायलेंस होनी चाहिए, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें हरेसमेंट होनी चाहिए, ये हमारे मेरे ख्याल में ये है कि मैट्रिक तक ये एक बच्ची जो है वो बालिग हो जाती है, वहाँ उसे ये अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी फील्ड से बाहर निकलने से पहले कि वुमेन हरेसमेंट बेसिकली है क्या। सही। अब पाकिस्तान का साना ये है कि जहाँ बच्ची को नहीं पता कि हरेसमेंट क्या है, यहाँ मेल्स को भी नहीं पता कि हरेसमेंट क्या है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहाँ एक लॉ, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ लॉज बने हुए हैं जहाँ पे एक मर्द को पता है कि अगर मैं बिला ज़रूरत किसी फीमेल को इस टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए घूर रहा हूँ तो ये हरेसमेंट में जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में नहीं पता, पाकिस्तान में अगर कोई बंदा आपके भलाई के लिए ही, आपकी बेटरमेंट के लिए ही कुछ कर रहा है तो उसे ये नहीं पता कि मेरे ऊपर किस टाइम हरेसमेंट का केस बन जाएगा। अगर मैं किसी के इर्द गिर्द उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए हूँ तो पता नहीं किस टाइम ये बंदा ही मुझ पर हरेसमेंट का, यही बंदी मुझ पर हरेसमेंट का केस कर देगी, हरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा देगी। फीमेल्स को नहीं पता, मेरी नज़र के मुताबिक पाकिस्तान में रूल्स होने चाहिए,
रूल्स होने चाहिए, उन रूल्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, लॉज होने चाहिए, उन लॉज की अवेयरनेस होनी चाहिए। और वो अवेयरनेस कैसे हो सकती है? वो अवेयरनेस बाय सोशल मीडिया, वो अवेयरनेस बाय स्कूल्स सिलेबस, वो अवेयरनेस डिफरेंट टाइप ऑफ फोरम्स। जैसे हमारे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन, बहुत सारे ऐसे इवेंट स्कूल्स में आते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के टैबलोज होते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम देखें कि वहाँ इस टाइप के पॉइंट्स को कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले बच्चों में स्पेशली आजकल हरासमेंट जो है वो सिर्फ फीमेल्स का इशू नहीं है, हरासमेंट बच्चों का भी इशू है जी। हरासमेंट बहुत लंबा टॉपिक है, हरासमेंट बहुत मेजर इशू है। अगर हम इसे खोलें तो कहाँ हरासमेंट नहीं मिलती हमें, हमें अगर मेरे रिसेंटली मेरे पास हरासमेंट के हवाले से, जैसे कि हम फातिमा बात कर रहे हैं, तो बच्चियों को तो हमने, लड़कियों को तो हमने डिस्कस किया। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी मुआशरा, ना सिर्फ और पाकिस्तान से बाहर भी, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो हैरेसमेंट का शिकार सिर्फ और सिर्फ खवातीन नहीं होती, मर्द भी होते हैं। यही इस पॉइंट को भी हम इक्वली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चूंकि इक्वली लेकर चलते हैं, तो मर्द हजरात भी बहुत सी जगहों पर हैरेसमेंट का शिकार होते हैं, खवातीन की तरफ से या फिर अपने ही किसी बॉस की तरफ से या मुख्तलिफ जगहों की तरफ से। तो हैरेसमेंट जो है वो यकीनन है ही, लेकिन इसको नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने भी अभी गुफ्तगू के दौरान डिस्कस किया कि हमारी तरबियत नहीं है, तरबियत का फुकदान है, जिसकी वजह से हम अपनी लिमिट से आगे जाकर किसी की हेल्प करना चाहें तो वो भी हरासमेंट में आता है। अगर आप अपनी लिमिटेशन से आगे जाकर किसी को कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, जो भी आप उसकी रेफर कर रहे हैं उसको, वो भी हरासमेंट में आता है। अगर वो नहीं चाह रही तो आप क्यों उसकी हेल्प कर रहे हैं, या वो नहीं चाह रहा तो आप क्यों उसको जॉब के लिए या बार बार कॉल्स करके उसको मुतवज्जो करिए कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए। तो हैरेसमेंट के शिकार दोनों की तरफ से होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो आपने फातिमा बात की है, पाकिस्तान से बाहर नो डाउट वहां पर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सिर्फ फॉलो नहीं करते। रियासत की कोई गलती नहीं होती, हमारी अपनी गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस रोड से जाना शुरू कर देते हैं, अब सिग्नल आ जाएगा, दो चार लोग जिनकी पुलिस में ही आगे पीछे वाकफियत होगी, वो कहेंगे हमने सिग्नल पे खड़े नहीं होना, हम तो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, जिनकी तरबियत पूरी हुई होती है, वो सिग्नल को फॉलो करेंगे, जब सिग्नल ओपन होगा देन वो अपने जिस भी रास्ते पे उन्होंने जाना है वो जाएंगे। तो तरबियत का फुकदान है जो कि नहीं होता, इस पर क्या कहेंगी? बेशक, यही तो मैं, ये बेसिकली मैंने इनिशियली यही एक चीज़ थी जो मेन पॉइंट आउट की है, जिसमें बेसिकली मैं दोबारा फिर से इस पर रोशनी डालना चाहूँगी कि बेसिकली हमारे माशरे में तरबियत का ही फुकदान है। हाँ, ना तो हम खुद रूल्स फॉलो करते हैं, ना ही हमारे बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं। रूल्स फॉलो करना कहाँ से स्टार्ट होता है? देखें, अगर हम देखें तो इनिशियली अभी मैं देख रही थी, तो एक आपका ही मॉर्निंग शो था जो मैं बड़े शौक से देखती हूँ, मैंने देखा कि उसमें एक साहब थे, वो बता रहे थे कि शुरू शुरू में जो होता है एक माँ और बच्चे का ऐसा रिश्ता होता है कि माँ बच्चे को इस चीज़ के लिए एग्री कर रही होती है कि अगर तुम्हारे से कुछ गलत हो जाए तो मुझे बताना है, अगर तुम्हें डर लगता है, अपने पापा से डर लगता है, अपने फादर से डर लगता है, अपने अबू से डर लगता है, तो बस मुझे बता देना, मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ यही वो पॉइंट होता है जहाँ से बच्चे की तरबियत का रॉन्ग रुख, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, वो एक गलत साइड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली अगर हम शुरू से ही अपने घरों से ही इस चीज़ पे साबित कदम रहें, अगर हम अपने घरों से ही इस चीज़ पे इस रूल्स को सेट कर दें कि बेटा जो आपके फादर कह रहे हैं, जो आपको बड़े कह रहे हैं, जो अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करना है, उसमें मैं आपके बिल्कुल भी उसके जो किसी सूरत भी मैं आपके साथ स्टैंड नहीं करूंगी। बेसिकली यहाँ पे माँ की जो है ना, वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे माँ की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है कि बेटा जो अच्छा है उसे फॉलो करना है, वहाँ पर मैं आपके साथ, अगर आप नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट होंगी, जो बुरा है उसके उसको आपने, जो बड़ा कह रहा है, आप जो आपसे ज़्यादा अकल वाले, ज़्यादा समझ वाले लोग हैं, जो वो कह रहे हैं ये बुरा है, और आप और मुआशरा भी समझता है ये बुरा है, तो उसको आपने एज बुराई ही फॉलो करना है, और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो तब भी मैं आपके अगेंस्ट खड़ी होंगी, अच्छी बातों पर आपके साथ खड़ी होंगी। ये वो तरबियत का इनिशियल स्टेज होती है, जिसे हम कहते हैं इंतकाल तरबियत। अगर हम साइकोलॉजी का वो करें तो हम देखेंगे कि मुतालिया करें तो वह उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं इंतकाल तरबियत, कि बच्चा तो मासूम है, उसे तो कुछ नहीं पता कि किस चीज़ को फॉलो करना है, क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक। ये हमारे माँ की और बाप की गोद से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, अच्छाई पर उनके साथ खड़े हैं,
लेकिन बुराई पे उनके अगेंस्ट खड़े हों, ताकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उसे पता हो कि अगर मैं अच्छाई करूँगा, रूल्स को फॉलो करूँगा, अगर मैं माशरे को फॉलो करूँगा, अगर मैं माशरती तौर पर माशरे के साथ अच्छा अच्छी चीज़ों को अपनाऊँगा और बुरी चीज़ों को छोड़ूंगा, तो मेरे अपने भी, मेरे साथ वाले भी, मेरे फेलोज़ भी, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार जो होंगे वो मुझे फ़ख्र से देखेंगे। लेकिन अच्छा, तरबियत के हवाले से जहाँ पर आपने भी अभी फ़ातिमा बात की कि माँ जो है वो तरबियत करती है और इनिशियल स्टेज पर ही हम बच्चे के साथ जिस किस्म का सलूक करते हैं या जिस तरीके से उसको गाइडलाइन देते हैं, यकीनन बच्चा वही होता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि आपने आम का दरख्त लगाया था तो इसमें से अमरूद क्यों निकला। बच्चा तो बेसिकली एक कागज़ की तरह होता है, जो हम उस पर लिखते जाते हैं वो उस पर नक्श होता चला जा रहा होता है। माएँ अक्सर औकात अपने आप को एग्जाम्पल नहीं बनाती। अगर माँ का वजूद, माँ की पर्सनैलिटी एज अ एग्जाम्पल परफॉर्म नहीं कर रही, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा एग्जाम्पल बन जाए। यही चीज है, पहला तो पॉइंट ये है ना, जहाँ पर हमें डिस्कस करना है और जिस पर हमें गौर करना है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि अक्सर औकात हमारे यहाँ ऐसा होता है कि घरों में वालिदैन मौजूद होते हैं, दरवाजा नॉक होता है, बच्चा बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है और बच्चे को पहले ये कह दिया जाता है, कह देना पापा घर पे नहीं है। ये जहां झूठ की बुनियाद स्टार्ट हो गई, यहां से नंबर आ गए हैं बुरे, फैमिली में चूंकि बेइज्जती होगी, बुरे नंबर नहीं बताने, ये नहीं बताना कम पाठ आ गई है या फेल हो गए, तो हम कह देते हैं नहीं हमारे बच्चे ने तो पास कर लिया, बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे। इट मींस कि हम बच्चे को ये शह दे रहे हैं कि भाई अगर तुम फेल भी हो या तुम स्टडीज में ठीक नहीं भी जा रहे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। यही वो चीज गलत है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे पॉइंट्स और ऐसे जगह, ऐसे मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी में औकात आ जाते हैं जिस टाइम बच्चा गलत कर रहा होता है, लेकिन बच्चे को हम शह दे रहे होते हैं, बच्चे को हम कह रहे होते हैं कि नहीं 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 कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, गलत बात है। अगर पहली दफा गलत काम के ऊपर माँ की तरफ से सख्ती से रोका जाए, मना किया जाए, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम बच्चा करने की जरूरत नहीं करता। फिर एक वो स्टेज भी आ जाती है जब बच्चा बाशोर होकर खुद से गलत करना शुरू कर देता है। जब बच्चा खुद से गलत करना शुरू कर देता है तो एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि फिर वही माँ बाप उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप के बस में नहीं होता। हम फिर किसी को उस चीज़ का जो है वो किसी को शिकायत नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, लेम एक्सक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रास्ते पे हमने खुद अपने बच्चों को लगाया है, झूठ का रास्ता, सच को छुपाने का रास्ता, हकीकत को हाइड करने का रास्ता, एक टाइम वो आ जाता है कि बच्चा उस रास्ते पे चल पड़ता है, यूज टू हो जाता है, बच्चा खुद से डिसीजन लेके वो सारा कुछ कर रहा होता है, तो फिर माँ बाप जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वही माँ बाप उन एक्शन से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं रुक पाता। यही वो चीज़ है जो हमें इनिशियल स्टेजेस पे कवर करना पड़ती है। ठीक है, इनिशियल स्टेज को तो हमने डिस्कस किया है फातिमा जुबैर। मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ते हैं। बच्चा माँ की गोद से निकल कर स्कूल में जाता है, अब वो हाफ डे टीचर्स के पास गुजारता है, हाफ डे अपनी माँ के पास गुजारता है, यानी 50% जो उसकी तरबियत है वो टीचर्स पर भी डिपेंड करती है और 50% जो उसकी तरबियत है वो पेरेंट्स पे, घर के माहौल पर भी डिपेंड करती है, और 10% आई थिंक सो कि हम मुआशरे पे जिम्मेदारी डाल सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ अक्सर औकात टीचर की तरफ से ये कहा जाता है ये बच्चा गलत लफ्ज़ बोल रहा है, आज लगता है बाहर से कहीं से सिखाया या घर से सिखाया। घर पर बात की जाए तो घर वालों की तरफ से कहा जाता है कि ये स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, ये उनको सिखाते नहीं हैं, जबकि जिम्मेदारी दोनों की होती है। आर यू एग्री? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे मुआशरे में। और ये हमारे मुआशरे में नहीं है, हम सिर्फ अपने मुआशरे को दोष नहीं दे सकते, पूरी दुनिया में है ये, पूरी दुनिया में ये है। कोई भी मुआशरा किसी चीज़ का भी 100% नहीं दे रहा। अगर हम वेस्टर्न मीडिया की बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वहाँ पे बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। हम कहते हैं औरतों को बड़ी आज़ादी है, बच्चों को बड़ी आज़ादी है, वहाँ के स्टाफ बहुत एक्यूरेट हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बड़ी जो हैं वो एक्यूरेट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ हर बंदे को, हमारे यहाँ हर इंडिविजुअल को सिर्फ एक मेन चीज़ की पड़ी होती है, वो होता है अपना काम करें। और टीचर जो है वो सिर्फ सिलेबस कवर करवाने से ज़्यादा, 50% टीचर्स ऐसे हैं जो सिलेबस कवर करवाना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। उसमें कोई अखलाकी तरबियत नहीं है, कोई माशरती तरबियत नहीं है, कोई ऐसी तरबियत नहीं है जिसको वो समझे कि नहीं मैं उस्ताद हूँ। पुराने दौरों के उस्ताद में, पुराने ज़माने के उस्ताद में और आज के उस्ताद में इतना फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। वो ये समझते ही नहीं हैं कि
जो है वो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की ज़ाती तरबियत भी है, सिर्फ सिलेबस कवर करवाना नहीं है। आजकल प्रॉब्लम यह है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये समझता है कि बच्चा मेरे पास आए, उसके बाद अगला टारगेट यह है कि ये ट्यूशन भी मेरे पास आए। सिर्फ अर्निंग ही टारगेट है। 50% हम सबको तो नहीं कह सकते, सेम यही सिनेरियो, सेम यही केस हमारे जो होता है वो माँ बाप की तरफ भी होता है। माँ बाप भी सुबह उठते हैं, जल्दी से बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, टिफ़िन पकड़ाते हैं, बच्चे को लंच बॉक्स पकड़ाते हैं और पकड़ा के कहते हैं, वो उनका जो ब्लेम होता है वो लेम एक्सक्यूज़ डालते हैं टीचर्स पे कि इनकी तरबियत स्कूल अच्छी नहीं कर रहा, हम उन्हें पे कर रहे हैं। जबकि मैं ये समझती हूँ कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को लेनी चाहिए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप को लेनी चाहिए, तभी एक 100% मैं समझती हूँ कि एक्यूरेट जहनीत वाला, एक 100% तरबियत वाला बच्चा, एक जनरेशन हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फैमिली सिस्टम पर हम थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम ब्रेक हो चुका है। बिल्कुल, पहले ऐसा होता था कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स होते थे, ताया चचा इकट्ठे रहते थे, दादा दादी साथ होते थे। अब बच्चे को गाइडलाइन करने के लिए दादी की तरफ से भी टाइम मिल रहा है, दादा की तरफ से भी मिल रहा है, ताया भी बता रहे हैं, चचा भी बता रहे हैं, और पेरेंट्स तो बताते ही हैं। कोई भी वालिदैन ऐसा नहीं है, कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं। लेकिन बात वही फिर से आ जाती है कि तरबियत का फुकदान होता है, हमें समझ में नहीं होती कि हमें कैसे डील करना है बच्चे को। सिस्टम ब्रेक होने की वजह से आप समझती हैं कि ऐसा जो बच्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा इस वजह से हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल तहमीना। देखें, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो था वो ये था कि अगर एक बात माशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे अगर गलत है, माँ को याद नहीं रही तो बाप ने कह दी, बाप को याद नहीं रही तो किसी खाला ने कह दी, खाला को याद नहीं रही तो फूफो ने कह दी, फूफो से भी अगर बच्चा निकल गया तो दादा ने कह दी, दादी ने कह दी। यानी कि एक तरबियत का लेवल जो था होता था वो ये होता था कि बच्चे को कहीं ना कहीं वो तरबियत मिल जाती थी, बच्चे को कहीं ना कहीं वो सबक मिल जाता था। बच्चा अगर माँ से झूठ बोल के आ रहा है तो बाप कहता था कि बेटा, बाप कहता था कि बेटा ये गलत करके आए, सॉरी करो या इस चीज़ को नेक्स्ट नहीं करना। अगर बाप घर पे नहीं है, दादी ने सुन लिया है, तो दादी ने वही लेसन जो है वो बच्चे को दिया है। अगर दादी ने सुन लिया है तो आगे दादा ने दिया है, वो नहीं है। यानी कि ये एक होते थे कि वो तरबियत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो थी वो वहाँ पे चल रही होती थी, तरबियत की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस वहाँ पे चल रही होती। तो आजकल क्या है कि माँ है, बाप है, स्कूल है, बाप जॉब पर है, माँ रेस्ट कर रही है, टेलीविज़न देख रही है, पॉलर में है, अपनी एक्टिविटीज़ में है, और जो बाप है वो घर पे नहीं है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स पे है, और टीचर अपना टीचर्स पर है नहीं, टीचर्स पर डाली नहीं, माँ बाप के जहनीत के मुताबिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे है। वो ये समझते हैं, माँ को, माँ पॉलर को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, माँ घर के अपने ड्रामों को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, माँ अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को तो खुश करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, लेकिन माँ अपने बच्चे की तरबियत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती। अगर बच्चा आता भी और कहता है कि मामा मुझे ये सिखा दो, वो कहती है बेटा पापा के पास जाओ, पापा की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहता है बेटा मामा के पास जाएं। अगर ये कुछ भी नहीं है, कुछ इधर से उधर चले, मैं आपकी टीचर को कह दूंगी, वो आपको बता देंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के बाद ही, जैसे भी आपने कहा कि उसका बहुत बड़ा हमें इसका लॉस आया है, बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होने के, मेरे ख्याल में मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए कि हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं, हमें तो बार 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 जो है वो एक अच्छी तरबियत, एक अच्छा लफ्ज़, मेरा तो अपना ये मानना है कि डिफरेंट ज़ुबानों में, मुख्तलिफ ज़ुबानों में तरह तरह की तासीर होती है। ठीक है, कुछ बच्चे दादा दादी से अटैच होते हैं, कुछ अपने माँ बाप से अटैच होते हैं, कुछ टीचर से। जब ये पूरे का पूरा दायरा कार, ये पूरे का पूरा सर्कल एक बच्चे या एक जेंडर को वो करने की, उनको उनकी जिसे कहते हैं कि रहनुमाई करने की कोशिश करेगा, रहनुमाई करेगा, तभी वो एक रहनुमा रस्ते पे रहनुमा। ठीक है जी फातिमा, हर्डल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आगाज में भी प्रोग्राम के बताया था कि लड़कियों को मुख्तलिफ किस्म की हर्डल्स जो हैं वो आती हैं, फिर उनको फेस करना होता है। ऐसी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जिनके लिए हर्डल्स आती हैं और वो उसको फेस करने के बाद माशाल्लाह से अपना नाम मुकाम बना जाती हैं, और कुछ लड़कियां डर जाती हैं। डर जो जाती हैं उनको नहीं डरना चाहिए। आज के प्रोग्राम में मैं और आप,
मिलकर ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे कि मुश्किलात, मसाइल, मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये ज़िंदगी से बाहर नहीं होती, इंसानों के साथ ही होती हैं। अब ऑब्वियसली जानवर तो स्कूल पढ़ने नहीं जाता ना, जानवर तो कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जाता, हम इंसान ही जाते हैं और हमें ही मसाइल होते हैं। दही इलाके की जो लड़कियाँ होती हैं, जब वो घरों से पढ़ने के लिए निकलती हैं तो कॉलेजेस बहुत दूर दूर होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ पूरे पूरे गाँव में एक कॉलेज होगा या शायद एक भी नहीं होता, अगले गाँव में कॉलेज मौजूद होता है, तो हर्डल्स तो आती हैं। उन हर्डल्स को कैसे फेस करना है, इस पर हम बात करते हैं। अच्छा तहमीना, इसमें मैं सबसे पहले आपको अपनी ही स्टोरी बताती हूँ, अपना ही किस्सा बताती हूँ कि बेसिकली जब मैं जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि मैं एक देहात से बिलोंग करती जी, जहाँ जब मैं शुरू शुरू से वहाँ से हम मूव हुए और मेरे लिए ये बहुत अजीब बात थी कि मैंने जो पहली जॉब की थी वो मेरे ही बिजनेस से रिलेटेड थी, कॉल सेंटर्स के बिजनेस से। ठीक है, वो टाइमिंग भी जो थी वो यूके बेस्ड कॉल सेंटर था, टाइमिंग्स भी ही वैसी थी। जब मैं देहात से बाहर आई तो मुझे ये चीज़ बहुत रिश्तेदारों से, फैमिली से बड़ा, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ था कि बेटा ये क्या टाइमिंग है, क्या ये टाइमिंग औरतों के लिए है, क्या ये जॉब औरतों के लिए है। वाहद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो औरत को दिमाग भी सेम दिया है, दिल भी सेम दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को हर हर चीज़ मर्द के बराबर दी है, तो ये क्वेश्चन क्यों है कि क्या ये औरतों के लिए है, क्या ये औरतों के लिए मौजू है, क्यों मौजू नहीं है। पहली बात तो हर्डल्स आती हैं, हर फीमेल्स को आती हैं। सबसे पहले आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको अपना माइंडसेट करना पड़ता है। वो माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, कौन सी ऐसी मुश्किल है जो मैं फेस नहीं कर सकती, मैंने जॉब की है, मैंने मर्दों के बराबर टाइम भी दिया, मर्दों से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक टाइम वो था कि जब मैंने उस जॉब को बाय कहा तो मुझे उस कंपनी ने क्या कहा कि मिस फातिमा आपको ये सैलरी पैकेज कहीं से ऑफ़र नहीं होगा। तो मैं जब वहाँ से जा रही थी तो मैंने सिर्फ ये उनको ये कहा था कि नहीं, मेरा अपने ऊपर यकीन है, मेरा अपने ऊपर ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसम्मम एक बिलीव है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि जिसने मुझे यहाँ देहात से उठा के यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक कामयाब किया है, वो मुझे आगे भी करेगा। बिल्कुल। और वही बिज़नेस मैंने खुद रन किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। मुश्किलात आती हैं, वो मुश्किलात सबसे पहले आपकी फैमिली ही आपके लिए क्रिएट करती है। जैसे मैंने कहा कि शुरू में ही अगर आपको औरत होने का लफ्ज़, लड़की होने का एक जिसे कहते हैं एक आप पर स्टैंप लगा दी जाती है, आपके रिश्तेदार बेसिकली वो कहीं ना कहीं आपसे जल भी रहे होते हैं। बेसिकली सिर्फ ये पार्ट नहीं होता कि वो ये पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि ये कामयाब हो रही है या नहीं, ये एक फीमेल है, हमारे मुआशरे की, हमारे ख़ानदान की इसमें जो है वो ये है कि ये बाहर जाके काम करे। नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल जो एक फीमेल के लिए आती है वो अपना ख़ानदान होती है। ओके अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो वो मेरे ख्याल में कोई भी अगर फीमेल है तो वो सारा कुछ कर सकती है। अगर आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार वो आपको कॉन्फिडेंस दे देते हैं, वो आपको एतबार दे देते हैं, वो आपको ट्रस्ट दे देते हैं, तो फिर औरत के लिए कोई फील्ड भी ऐसी नहीं है। क्या औरत पॉलिटिशियन नहीं है, क्या औरत डॉक्टर नहीं है, क्या साइंटिस्ट नहीं है, क्या समाजी वर्कर नहीं है, क्या पायलट नहीं, पायलट नहीं है। बिल्कुल, औरत कहाँ है, जंग के मैदानों में औरत नहीं है, हर हर जगह पे औरत मौजूद है, हर हर जगह पे। लेकिन कहाँ से ये चीज़ चलती है कि अगर आपको घर से कॉन्फिडेंस मिल जाए, अगर आपको घर से ट्रस्ट मिल जाए, अगर आपके घर वाले कह दें कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे एक्शंस में, तुम्हारी कामयाबी में साथी हैं, हमें नहीं परवाह कि कोई क्या कह रहा है। मेरे ख्याल में कोई भी औरत इतनी गैर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि वो अपने ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। अल्लाह तबारक व तआला ने इनडायरेक्टली औरत की फितरत में ये चीज़ डाली होती है कि वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो बहुत हसास होती है, वो हर चीज़ के डिसीजन से पहले ये सोचती है कि इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस टाइम प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं जनाब, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जैसे कि फातिमा जुबैर से हम गुफ्तगू कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, और बड़ी अच्छी गपशप फातिमा आपके साथ प्रोग्राम में ब्रेक हुई, और ब्रेक के बाद फिर से एक मर्तबा आपको खुश आमदीद कहती हूँ कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू फातिमा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अपने किरदार के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे यहाँ ब्लेम गेम तो बहुत की जाती है, हमारे यहाँ तनकीद भी बहुत की जाती है कि जो शख्स काम कर रहा होता है अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, या इसके अलावा वो कोई प्रॉब्लम का शिकार हो जाए तो हम तनकीद तो फौरन कर लेते हैं,
हम तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते, जबकि तनकीद का मकसद ही आई थिंक सो तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। अब इसी तरीके से हम अपने अपने किरदार के हवाले से बात कर लेते हैं। इनफरादी तौर पर मैं बात कर रही हूँ, ये भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, शहरी होने के नाते हम पाकिस्तान और इस मुल्क के लिए क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि जी रियासत ने कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही, गवर्नमेंट के मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं। भाई, हम गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, वो टिप्स आप दीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू जी तहमीना। जैसे आपने कहा, ब्लेम गेम का सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट ये होता है कि हम उस गेम में से ख़ुद को निकाल लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एज अच्छा शहरी होने के नाते मेरे ख्याल में कि हर बंदे पे एक शहरी होने के नाते काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दो ये नहीं, बल्कि अगर हम खुद किसी पे ब्लेम डालना बंद कर दें, गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल, अब हमारा पाकिस्तान में क्या है कि कचरा उठाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में अगर गटर बंद हो गए हैं तो वो भी जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि हाँ, ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं, कचरा फैलता क्यों है? कराची का जैसे हम देख रहे हैं कि मीडिया में इतना बड़ा इशू है, कितनी ज़्यादा अमवात हुई हैं, क्यों हुई हैं? पानी खड़ा क्यों होता है? पानी खड़ा इसलिए होता है कि लोग, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। गलियां, नाले, सड़कें, बाज़ार, हर चीज़ कचरे से भरी पड़ी है। कचरा उठाना सदका जारिया भी है और एक शहरी होने के नाते एक शहरी की ड्यूटी भी है। अब हमारा सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम यह है कि कचरा उठाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गटर साफ करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दरख्त लगाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनकी निगहदाश्त भी गवर्नमेंट की, उनकी निगहदाश्त, अब पानी देना तक ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा देखें क्या चीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सड़कों की सफाई करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सड़कों से चीज़ें उठाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम देखें, अगर हम इस पर गौर करें तो ये तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से पूरी करना शुरू कर दें और गवर्नमेंट को किसी बड़े कामों पर लगा दें, गवर्नमेंट को किसी मेजर काम के लिए छोड़ दें, जैसे अब हम सरहदों की हिफाजत करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की हिफाजत करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर देखा जाए तो क्या क्या है, टैक्स हमारी जिम्मेदारी है, क्या हम देते हैं टैक्स हमारी, वो भी गवर्नमेंट जो है वो हमसे जो है वो एक डंडे के जोर पर इकट्ठा करती है, वो भी हमसे गवर्नमेंट जो है वो थ्रेट कर करके इकट्ठा करती है। पहले अपने गिरेबान में झांकना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद अगर हर शहरी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं इतने। अब मैं देख रही थी, एक टेलीविजन प्रोग्राम देख रही थी, एक बंदा खड़ा है, वो इतना सा कचरा पड़ा है, वो उसके पास खड़ा होकर चैनल वाले को ये बता रहा है कि ये देखें जिधर कचरा पड़ा है। मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर वो थोड़ा बहुत कचरा था, वो पास खड़ा है, वो खुद भी उठा सकता था, वो खुद भी उठा सकता था। और यही सूरत हाल अगर हम देखते हैं जी, गटर का ढक्कन जो है वो गटर खुला हुआ है और उसका ढक्कन पास पड़ा हुआ है। अब डिफरेंट टाइप के टीवी शोज आ रहे होते हैं, एंकर्स भी उस पर उसको जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, वो बंदों से बात कर रहे हैं, वो बंदे बता रहे होते हैं सिर्फ। बिल्कुल, जो इश्यूज हैं यकीनन वो मुआशरे के हैं और बताए भी जाते हैं, दिखाई भी जाते हैं। हर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ उस किरदार को बेहतरी की तरफ गामजन करना है। मेरी और आपकी और हम सब की ये ड्यूटी होनी चाहिए, जो कि हम नहीं समझते। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कचरे के हवाले से बात की। कराची की हम बात करें तो कराची के हालात वाक़ात आजकल, चूँकि बरसात का मौसम है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कराची में तो रिकॉर्ड ही टूटा हुआ है बारिशों के हवाले से, जिसकी वजह से करंट से कई लोग मर गए। कचरे का ढेर, पूरा कराची जो है वो कचरे का ढेर बना है। कोई मेयर पे जिम्मेदारी डाल रहा है तो कोई मुतल्लिका इलाके पे डाल रहा है, तो कोई वजीर आला पे डाल रहा है, तो कोई काउंसलर पे डाल रहा है, और कोई इलाके की हुकूमत पे डाल रहा है, और सारे इकट्ठे होने के बाद वफाकी हुकूमत पे डाल रहा है। ये तमाम चीजें हैं और जिनको बेहतर करना चाहिए, बल्कि इन तमाम चीजों को हम बाय सेल्फ भी ठीक कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प का सिस्टम अक्सर औकात तकरीबन काफी हद तक खत्म हो चुका है। हम अपने घर में, अपने कमरे की, अपने बेडरूम की, या अपना जितना सा आपका घर होता है उसकी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद कचरे को कहाँ फेंकते हैं? घर के बाहर दरवाजे के ऊपर। पहली बात तो हम अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी नहीं लेते। घर के बाहर दरवाजे के ऊपर हम कचरे का ढेर लगा देते हैं और ये कहते हैं आज कूड़े वाला नहीं आया, इस वजह से गंद पड़ा हुआ है, या ये देखें जी हालात ये हैं जी, ये टाउन का हाल ही बुरा हो गया, ये सोसाइटी की हालत बुरी हो गई। नहीं,
आपको अपना कचरा जो बाहर रखा था वो बाहर नहीं रखना था, उसको प्रॉपर तरीके से आपको वेस्ट करना था जहाँ पर सारा कचरा पहले भी मौजूद होता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हम आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेस किया है गटर के ढक्कन के हवाले से। हम गटर में कचरा तो फेंक देते हैं कि यार इसमें जा रहा है, कौन सा नज़र आ रहा है। जब वो बंद हो जाता है, जब पानी खड़ा होता है, तो हम ब्लेम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट पर, देखो जी गटरों के हाल क्या हैं, इलाके का MPA काम नहीं कर रहा, काउंसलर काम नहीं कर रहा, या वेस्ट मैनेजमेंट की अथॉरिटी काम नहीं कर रही, जबकि हमें उसमें हम फेंके ही ना तो ये मसला ही ना हो। बेशक अगर हम फेंके ही ना, और वो गटर का ढक्कन जो हम कह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं रखा, अगर हम खुद मिलकर रख दें तो इसमें हर्जी क्या है? हर्जी क्या है? ये सिर्फ अपने जहन को, अपने माइंड सेटअप को चेंज करने की बात है, अपने माइंड को। अच्छा, आपको पता है दुनियावी बातें तो हम बहुत सारी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये चीज़ नोट करें कि वही गटर का ढक्कन अगर मैं और आप यानी मुतलका जो आसपास इलाका मकीन है वो थोड़े थोड़े से पैसे डाल के रख दें, तो एक तो वहाँ से गटर बंद होने से बचेगा, चलने वालों को, राहगीरों के लिए आसानी होगी, और ये कितना बड़ा सवाब का काम है और सदका जारिया है। अगर और अगर हम दीन में देखें तो ये छोटे छोटे काम जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, शहरी होने के नाते अपनी फ़र्ज़ कह रहे हैं, अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली ये सदका जारिया भी है। ये छोटे छोटे काम नेकी में भी काउंट होते हैं। अगर हम चलते हुए राह में से पत्थर साइड पे कर दिया तो हमें नेकी मिल गई, अगर हमने कचरा उठा दिया तो नेकी मिल गई। क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के फलाही काम नहीं करते थे? आप इन चीज़ों में फेमस थे, आप इन चीज़ों में मशहूर थे। ये सदकाए जारिया भी है। अगर हमने चलते हुए गटर तो से जान जाने का खतरा होता है, उनकी तो जिंदगी ही नमूना थी ना। बेशक हम तो मतलब ये कह नहीं सकते कि क्या वो ऐसे काम नहीं करते थे, उनकी पूरी जिंदगी इन चीज़ों पर मुंजमद थी, इन चीज़ों पर मबनी थी। किसी राहगीर को आप सड़क पार करवा देते हैं, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। बहुत से बूढ़े ऐसे होते हैं जो सड़क पार करते हुए जरा हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं। और आजकल हम अगर देखें तो जब पार करवा दें, वो सिग्नल्स ओपन होते हैं तो जितने जवान लोग होते हैं वो खुद से क्रॉस करने की उन्हें पड़ी होती है। पीछे बुजुर्ग भी होते हैं, पीछे ओल्ड पर्सन भी होते हैं, किसी को इतना टाइम नहीं है, इतनी जिसे कहते हैं कि किसी के अंदर इतनी तौफीक नहीं है। हत्ताकि ये भी एक सदका जारिया है। गटर का ढक्कन है, अगर खुला है, कोई बच्चा गिर के में उसके उसमें गिर के मर गया, तो ये देखें कि शायद वो अपने माँ बाप का अकलौता बच्चा हो, शायद वो माशरे का पता नहीं कितना अच्छा शहरी बन सकता हो, शायद वो उसके घर वालों के लिए कितना बड़ा सदमा हो। अगर हम देखें तो वो गटर का ढक्कन अगर हमने उठा के रख दिया तो हमने इनडायरेक्टली किसी की जान बचा दी, अगर हमने पत्थर साइड पे कर दिया तो हमने फलाह का काम कर दिया। और अगर देखें तो दीन तो है ही पूरा फलाह का। और आप ये चीज़ भी नोट करें कि अक्सर औकात हम जब गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम अंदर खाना पीने का सिस्टम भी लगा होता है, फ्रूट्स खा रहे हैं या स्नैक्स खा रहे होते हैं, केले भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल अक्सर औकात खाने के बाद जो छिलके हैं वो रोड पर शीशा नीचे किया और रोड पर फेंके और आगे चले गए। अब उस केले के छिलके पर अगर किसी बुजुर्ग का पाँव आ जाता है, कोई साइकिल वाला गिर के स्लिप होके गिर जाता है, तो कितना बड़ा गुनाह भी है और कितनी बड़ी नाजेबा हरकत भी है। बिल्कुल है, इस गुनाह भी है और नाजेबा हरकत भी है, और आपने इनडायरेक्टली किसी को नुकसान भी पहुँचा दिया। नुकसान नुकसान है, चाहे वो किसी की एक चोट का है, चाहे वो ज़िंदगी का है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे मुआशरती है। अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है तो इसका मतलब यह है कि उस आपके नामा एमाल में वो गुनाह ऐड हो गया। बिल्कुल आपको नहीं पता, आपने छिलका फेंका, फेंक के आप आगे निकल गए, आपको नहीं पता पीछे कोई गिर गया है। आप चाहे घर में हैं, कोई रात को गिरा, सुबह को गिरा, उसका गुनाह जो है वो आपके नामा एमाल में ऐड हो चुका है। तो वो ये छोटी छोटी इस्लाही चीज़ें होती हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें जो आपको भूलता ना हो। अच्छा तहमीना, यह वाकया जैसे मैंने बताया कि मैं देहात से हूँ, ये सोसाइटी डिफरेंसेस का वाकया है, और मैं कोई बहुत जिसे कहते हैं एक बहुत रिच सेल्फ मेड पर्सन हूँ जिसने जॉब की, जॉब के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस एक कामयाब बिज़नेस जिसे कहते हैं स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो सारा सफ़र जो है वो सारा सेल्फ मेड है, उसमें किसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। हाँ। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं वहाँ से निकली तो रिश्तेदारों की बात, एक शहर में जाके जॉब करेगी, ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक बहुत बड़ा एक लफ्ज़ भी होता है जो आपके चैलेंज होता है, चैलेंज भी होता है जो चल रहा है हम इसे। हाँ अच्छा, ये बट मेरे अंदर ये सारा कुछ फेस करने की एक जिसे कहते हैं कर्ज कहाँ से आई, ये मेरे अपने ही स्कूल से आई। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल वो वाहद जगह होती है जो आपकी पर्सनैलिटी बना के आपको बाहर निकालता है। अच्छा, मैं कोई बहुत हाई सोसाइटी से नहीं थी, मैं जैसे मैंने बताया एक नॉर्मल से घराने से थी। जिस स्कूल में मैं वहाँ पे वो कर रही थी, स्टडी कर रही थी, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की सोसाइटी थी,
उसमें लोअर क्लास भी थी, उसमें मिडिल क्लास भी थी, उसमें अपर क्लास भी थी। अब बदकिस्मती से जो हमारे टीचर्स थे ना, हमारे टीचर्स थे, उनका वही डिफरेंसेस उन सोसाइटी और उन क्लासेस के साथ था। वो हायर क्लास के बच्चों को डिफरेंट वे से डील करते थे, और वो जो मिडिल क्लास थी उन्हें डिफरेंट वे से डील करते थे, जो लोअर क्लास थी उन्हें बिल्कुल डिफरेंट वे से डील करते। लेकिन ये आप पर होता है कि आप इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दें या नेगेटिव वे में। बट मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह से पॉजिटिव वे में लिया। जब भी मेरे लिए कोई मुश्किल आती थी तो मैं उसे एज ए चैलेंज ले लेती थी। अब मुझे घर से परमिशन नहीं थी, हमारे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हमारे 2-3 फेमस टीचर्स थी, साइंस टीचर्स। अच्छा, तो उनका जो था ना, उनकी ये प्रेफरेंस ये होती थी कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है वो उनसे ट्यूशन भी पढ़े, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं एक ऐसे घराने से थी जहाँ पे 2 किलोमीटर चल के वहाँ पे अकेले जाके ट्यूशन पढ़ के शाम तक वापस आने की कोई इजाज़त नहीं। सही। और मुझे शौक़ भी था साइंस में मैट्रिक करने का उस टाइम। अच्छा। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। ये हुआ कि मैंने छोटे छोटे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो लैब में करवाए जाते थे, जो टीचर स्कूल में नहीं दानिस्ता तौर पे उस टाइम, दहाती, आपको पता है एजुकेशनल सिस्टम कैसा होता है, वो लैब में वो बहुत कुछ कम कवर करवाती थी जो वो ट्यूशन में करवाती थी। मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने वो छोटी छोटी चीज़ें जो लिखी होती थी, वो छोटी छोटी चीज़ें जिनके पैमाने नहीं होते थे, जिनको जिनके वो सारे स्केल्स, वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, मैंने वो डिफरेंट नॉर्मल इक्विपमेंट्स के उन सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। सारे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक दफ़ा की बात है कि मेरी टीचर ने मुझे ये कहा कि आप जो है ना, आप ऐसे करें कि आप मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ने आती, तो इसलिए आपको जो है वो साइंस की क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी कि चाहे मुझे ना बैठने दें, लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने वो सारे एक्सपेरिमेंट घर में करना शुरू कर दिए, लैब को छोड़ दिया। जब प्रैक्टिकल हुआ तो उन सारी बच्चियों से ज़्यादा मेरे मार्क्स थे जिन्होंने वो टीचर के घर में जाके एक्सपेरिमेंट वो प्रैक्टिकल किए हुए थे। तो वो इनडायरेक्टली मैसेज था उन टीचर्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, उन सोसाइटी, उन लोगों के लिए भी जो सोसाइटी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। कि अगर आपने आपको में अंदर अगर थोड़ा सा भी कर्ज है, हौसला है, अगर आप में कुछ करने का वो है, तो इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको इसके लिए किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत होती। अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखें, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। वो कुछ कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने आपको सारा कुछ सेम, हर क्वालिटी अल्लाह तबारक तआला ने सेम रखी है। तो इसलिए मेरा तो ये बेसिकली ये है कि मैं हर एक को, जो भी मेरे पास फीमेल आती है, मैं कहती हूँ क्यों नहीं कर सकते। मेरे पास इवन को जो जॉब के लिए भी आती है, मैं उसे कहती हूँ कि देखो, मैं एक जॉब करने वाली फीमेल थी, मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो आप भी अगर मेरे पास आते हो तो मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। अगर आप आज इस काबिल होते हो कि आप अपना बिजनेस कर सको, मैं आपको उसमें हेल्प आउट करूंगी, क्योंकि मुझे हेल्प आउट किया गया जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं थी। जब मैंने उन्हें छोड़ा तो वहां से मुझे ऐसा कोई वो नहीं मैसेज मिला। तो अगर मेरी वजह से आप कामयाब होगी, और ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आते हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें मैं कहती हूँ कि नहीं, आपकी काबिलियत के मुताबिक मैं नहीं कर रही, अगर आपको अच्छी ऑप्शन मिले तो मैं आपको एक रिस्पेक्टफुल वे में आपको जो है वो अलविदा करूँगी, आपको रुख्सत करूँगी, उसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फातिमा, बिजनेस वुमन है, वर्किंग वुमन है, तो बिज़नेस के हवाले से हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे आपके ज़रिए से कि वो लड़कियां या वो ख़वातीन जो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रही होती हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर होती हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? देखिए, टिप्स तो सबसे बड़ा, टिप्स कोई नहीं है, टिप्स सबसे बड़ा जो होता है वो आपके अपना जो होता है वो हौसला होता है। हर चीज़ में रिस्क होते हैं, प्रॉफिट लॉस के चांसेस होते हैं। सबसे बड़ा टिप ये है कि आपके अंदर रिस्क लेने का हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जो है वो डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर प्रॉफिट लॉस को फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए, और आपके अंदर ये एक करज होनी चाहिए कि नहीं, मैं अगर ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक ना एक दिन ये कामयाब होगा, एक ना एक दिन इसमें मुश्किलात आएंगी। मुश्किलात के लिए अगर आप तैयार हैं, कोई चीज़ भी स्मूद नहीं होती, कोई चीज़ भी, अगर हमने यहाँ से, इवन कि हमने यहाँ से उठ के कोई चीज़ बाय करने जाने या ख़रीदने जानी है, तो वो भी स्मूद नहीं होगी, हमें उठ के चलना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत का ही अजर रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना साल तबलीग की, अगर देखा जाए तो तमाम अंबिया की ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी पड़ी है। तो सबसे पहले मुसलमान होने के नाते अपने अंदर ये चीज़ अपने अंदर सेट रखें कि मेहनत
हर चीज़ के लिए दरकार होती है, चाहे कोई वो बड़ा बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है, बड़ा काम है, सबसे अंदर मेहनत करने का हौसला रखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फातिमा, अच्छा सा कोई मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? देखें, मेरे लिए मेरी तरफ से जो है वो सिर्फ एक ही मैसेज है, और वो ये मैसेज है कि अपने अंदर सबसे बड़ी जो आवाज़ है कि मैं एक लड़की हूँ, इसको निकाल दें। आप कुछ भी कर सकती हैं। सबसे पहले आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, सबसे पहले आप एक इंसान हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सेम सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब सेम क्वालिटीज़ दी हैं तो उनको यूज़फुल बनाएं, उनका यूज़ करें और अपना नाम पैदा करें और अपने अंदर के डर को ख़त्म कर दें। बिल्कुल ठीक है फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया चांस देने का, मुझे बुलाने का और अपना नजरिया आपके सामने मुझे पेश करने का। थैंक यू बहुत। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, सेम टाइम सेम चैनल पर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।